टीकमगढ़ में अभिभाषक संघ चुनाव में एक बार फिर रघुवीर सिंह तोमर अध्यक्ष चुने गए हैं। इस मौके पर रघुवीर सिंह ने कहा कि इस बार उनकी प्राथमिकता न्यायपालिका और अभिभाषक संघ में सामंजस्य बनाए रखना है। टीकमगढ़ में अभिभाषक संघ चुनाव के नतीजे आने के बाद रघुवीर सिंह खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। रघुवीर सिंह तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए, वहीं दूसरी बार उपाध्यक्ष के पद पर अखिलेश निर्वाचित हुए। निर्वाचन पर्यवेक्षक नितिन ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया में सभी वकीलों ने बारी बारी से 18 प्रत्याशियों के लिए अपना मत दिया। इसमें 390 मतदाताओं में से 366 लोगों ने मतदान किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि उनकी प्राथमिकता अभिभाषक को होने वाली समस्या को दूर करना है। इसके साथ ही उनका प्रयास रहेगा कि नगरपालिका और अभिभाषक संघ में सामंजस्य बना रहे, अभिभाषक को बैठने के लिए चैम्बर मिले और किसी प्रकार की आकस्मिक क्षति होने पर तुरंत सहायता मुहैया हो, ऐसा उनका प्रयास रहेगा। हम अपने सभी अधिवक्ता साथियों को देंगे, हम अपनी पूरी टीम को देंगे। हमारी टीम के सभी आदरणीय सदस्य, आदरणीय मानवीय सिंह, नरेंद्र सिंह मिन्हा, शेखर खरे साहब, सुनील शर्मा साहब, नरेंद्र सिंह बुंदेला जी और सभी तमाम दुनिया साथी, सभी लोगों ने असंख्य प्रयास किया, खूब मेहनत की और जीतोड़ काम किया और हमने अधिवक्ता साथियों की जो भी समस्याएं रही उन पर लगातार काम किया, उनका ध्यान रखा। इस सभी के कारण हमारी जीत हुई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।